हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाइज एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द कार्टिजन प्लेन। दिस इज योर कार्टिजन प्लेन, वी हैव टू ड्रॉ दिस पॉइंट ऑन दिस प्लेन एंड टेल एंड वेरीफाई दैट इन विच क्वाड्रेंट दे लाई। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका फर्स्ट पॉइंट विच इज -2 एंड 4। सो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, -2। तो -2 से आप क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर लाइन। वाई की वैल्यू क्या है बेटा, 4। तो 4 से आप क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर लाइन। जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट हो जाएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, -2 एंड 4। एंड वी नो वेरी वेल दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर मैं लिखूँ -2 एंड 4 इन विच क्वाड्रेंट दे आर लाइंग, सो सेकंड क्वाड्रेंट। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट इज 3 एंड -1। 3 इज पॉजिटिव, सो एक्स की 3 वैल्यू क्या है, कहाँ है, ये रही। आफ्टर दैट वाई की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव कहाँ है, नीचे। तो नीचे की साइड इसमें से प्रपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। आफ्टर दैट -1 के सामने प्रपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। जिस पॉइंट पे मीट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, -3 एंड 1। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। सो मैं बोल सकती हूँ 3 एंड -1 लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। आफ्टर दैट -1 एंड 0, राइट। -1 नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस, सो -1 एंड 0। बेटा मैंने आपको कल ही बताया था एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये क्या बन गया आपका, -1 एंड 0। तो -1 एंड 0 कहाँ लाई कर रहा है, ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या लिख दूंगी, ऑन एक्स एक्सिस। आफ्टर दैट 1 एंड 2, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 1। तो 1 पे प्रपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। आफ्टर दैट वाई की वैल्यू क्या है, 2। तो 2 से प्रपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। जिस पॉइंट पे मीट हो रही है वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 1 एंड 2। तो कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, दिस इज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट -3 एंड -5, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, राइट। तो क्या करूँगी, -3 से मैंने प्रपेंडिकुलर ड्रॉ किया, -5 से मैंने प्रपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जिस पॉइंट पे वो दोनों मिले वो क्या हो गया, -3 एंड -5, एंड दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या लिखूँगी, -3 एंड -5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3.3। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू ड्रॉ द गिवन पॉइंट ऑन प्लेन, कार्टिजन प्लेन, राइट। सो सबसे पहले हम सूटेबल डिस्टेंस लेके, इट्स योर चॉइस आप कितने डिस्टेंस लोगे, क्या लोगे। तो देखो बेटा यहाँ से दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, राइट। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, दिस इज योर वाई डैश, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स डैश। फर्स्ट पॉइंट -2 एंड 8, फर्स्ट इज एक्स की वैल्यू क्या है, -2, सेकेंड की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू क्या है बेटा, 8। तो कर दो पुट, -2, दिस इज -2, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर लेके जाऊंगी। प्रपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से प्रपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पे मिले वो क्या हो गया, -2 एंड 8, ठीक है। नेक्स्ट -1 एंड 7, तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज -1, एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, सो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई इज देयर। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ से, -1 एंड 7। 0 एंड -1.25, बच्चे 1.5 इज हाफ, ठीक है, उसका भी हाफ, इट मीन्स देयर। तो दिस इज योर
on y axis. So this is your 1.5 minus 1.5 और उसका भी हाफ माइनस 1.25. तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, माइनस 0 एंड माइनस 1.25. नेक्स्ट 1 एंड 3, x की वैल्यू क्या है बेटा 1, y की वैल्यू क्या है 3. तो दिस पॉइंट इज योर 1 एंड 3. आफ्टर दैट 3 एंड माइनस 1, दिस इज योर 3 एंड हेयर इट इज माइनस 1. सो दिस पॉइंट इज 3 एंड माइनस 1. तो ये थी बेटा आपकी 3.3. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू सो मच.